तुमको यहाँ पे वो जो भूत वगैरह बताते हैं हकीकत क्या है क्या? हकीकत ही है, भूत सफेद कपड़ों के अंदर रात को लेडी जाती है लंबी पूरी बहुत लंबी। अच्छा जी, और अच्छा वो है क्या तांत्रिक का घर भाई? वो सबसे ऊपर, वो कोने में सबसे ऊपर। अच्छा तो कोने में वो छोटी सा, अच्छा वही है क्या तांत्रिक का घर? और भाई ये कुछ जंगल है, जो भानगढ़ फोर्ट है ना वो उधर की साइड है भाई, उसकी कहानी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अभी सबसे पहले मंदिर, देख रहे पूरा जंगल एरिया है। ओ भाई ये देखो, देख छह बज रहे हैं भाई, कह रहा झूठ मत बोलो। मेरा और खाने का कैसे करते हो? खाने का जैसे होटल से आए गुरुद्वारा में ऐसे खा लेते। अच्छा, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद भी जाते हो? अच्छा चलो ठीक है। क्या नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के? आए हो बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। आपको दिखा दो धर्मशाला जहाँ पे हम कल सोए थे भाई, और यहाँ पे देखो भाई लिखा भी है कि पैसे वैसे देना बिल्कुल मना है, देख सकते हो। ओनली आपका आईडी कार्ड लगेगा अगर आप आते हो तो। चलते हैं यार अभी बालाजी के दर्शन करने के लिए। कल रात हम यहाँ पे आ गए थे और आपको रूम दिखाऊंगा अभी आने के बाद हमें कौन सा रूम मिला हुआ था। अंकल यहाँ पे जो सुविधा है वो सबके लिए फ्री है क्या? अच्छा, और अंकल जी धर्मशाला का वैसे नाम क्या है बताओगे एक बार? इसका नाम मानव कल्याण केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा समझे? हाँ। और द्वारा संचालित 5 धर्मशाला है हमारे पास। और सिर्फ यहाँ पे आईडी प्रूफ चाहिए होता है ना? आईडी प्रूफ होता है और किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे 5 धर्मशाला है, यहाँ पे 3। हाँ। वैकुंठ धाम, श्री गोलोक धाम। अच्छा, परम धाम इसके पीछे है। गोलोक धाम। और जो मुंबई वाली धर्मशाला है वो भी यही है? मुंबई वाली ही, नाम इनके श्री वैकुंठ धाम लिखा है ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, वैकुंठ धाम, ये श्री गोलोक धाम, पीछे वाला श्री परम धाम। अच्छा अच्छा, और वहाँ आगे समाधि में, समाधि के घर से जाओगे आने में, हाँ वहाँ पे आमने सामने दो धर्मशाला, श्री राम झांकी श्री हनुमान झांकी। अच्छा, तो जैसे कि भाई आप देख रहे हो अंकल जी ने बता दिया, यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आप आते हो तो। 2-3 धर्मशाला इनके नाम की, अलग नाम की नाम आप लोगों को बता ही दिया है अंकल जी ने। और यहाँ पे एक वैसे ये नाम है, ये देख सकते हो। आते हो तो बस आपका आईडी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड बस, और कुछ भी नहीं लगेगा भाई। तो चल रहे हैं अभी बालाजी के दर्शन करने के लिए बाहर। भाई भाई जब दर्शन कर लेंगे ना तब आएंगे बैग लेके और फिर निकलेंगे यार आगे की तरफ। अभी जा रहे हैं हम दर्शन करने यार सबसे पहले तो यार। और भाई जैसा कि मैंने सुना है ना यहाँ पे बालाजी में दर्शन करने जैसे कि आप लोग आते हो ना, क्या कर रहे थे भाई? सुनो यहाँ पे मैंने अंकल जी बता रहे थे और मैंने जहाँ तक कि सुना है जो बालाजी में दर्शन करने के लिए आते हैं, मैंने सुना है कि भाई यहाँ तो ना किसी का प्रसाद खाना होता है और ना ही पीछे मुड़ के देखना होता है दर्शन करने के बाद। मैंने भी कल रात को ही सुना है। हाँ, और भाई मेरे को पहले से पता था और मैंने भी इसको बताया था। और जैसे मतलब आप लोगों के दर्शन होते हैं ना तो सीधा निकल जाना, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना आप लोगों को भाई। ऐसा माना जाता है अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो जो बुरी शक्ति होती है, जो भूत प्रेत भी कहा जाता है, वो क्या पता आप लोगों के पीछे आ रहे हैं इसी चक्कर में भाई। ना अचानक इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हम बालाजी के दर्शन के लिए आ गए, लेकिन हमने सुना एक हफ्ते पहले लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है तभी दर्शन मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं दर्शन? अच्छा अभी लोग, अच्छा दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो भाई चलो चलो भाई, ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आज तक मैंने कभी देखी नहीं है, बस सुना। देखो देख रहे अरे आगे से, इधर से नहीं है, इधर से उधर से घूम के। और भाई रात में तो यहाँ पूरा खतरनाक सीन था, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी भाई। और ये है भाई मंदिर का, और ये है भाई एंट्री करने का गेट मंदिर। इधर निकाल दिया भाई शूज और अभी चल रहे हैं यार दर्शन करने के लिए। वीडियो नहीं, इधर इधर बना सकते।
और भाई मंदिर के अंदर वीडियो अलाउड नहीं है अभी, यहीं तक वीडियो अलाउड है बिल्कुल। और ये है मंदिर, यहाँ से स्टार्ट होता है। और अब मेरे साथ बोलेंगे आप सभी जय बजरंग बली, जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो अलाउड है अंदर या नहीं? अलाउड नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो बनाएंगे ही नहीं। चलो कोई नहीं गाइस। और ये देखो भाई कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी कैमरा में बंद कर दूंगा, यहाँ से लाइन स्टार्ट है। वहाँ पे सामने जाके आप देख रहे होंगे वो है मंदिर भाई, सामने दिख रहा है। तो चलते यार अभी दर्शन करने। तो भाई अभी दर्शन कर लिए हमने और बढ़िया दर्शन हो गए। भीड़ तो थी नहीं भाई, मंगलवार को वैसे ज़्यादा भीड़ रहती है, शाम को जाती है आरती के वक्त भी, और अभी तो भीड़ थी नहीं। और भाई जो मतलब एक अलग ही पावर होती है ना, वो पावर यहाँ पे है भाई बिल्कुल सच्ची में यार, जो फील हुई मुझे, आप लोग भी आओगे, आप लोगों को भी होगी यार, अलग ही पावर है भाई यहाँ पे सच्ची में भाई। और चल रहे हैं यार अभी बाहर की तरफ। भाई अभी एग्जिट हो चुके हैं वहाँ पे, वहाँ से हम गए थे और इधर से आ गए एग्जिट। और अभी चलते हैं अपने बैग वैग उठा के और अपने बैग वैग उठा के फिर निकलेंगे यार। निकल चुके हैं वहाँ से और बैग वगैरह ले लिया हम सब ने, और अभी जा रहे हैं। अभी कोई प्लान नहीं कहाँ तक जाएं यार अभी, और इसलिए देखते हैं अभी जहाँ तक जाएंगे चलते हैं यार। कहाँ जा रहे हैं वैसे? हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जहाँ ले जाए जो परिस्थिति हमें। तो भाई चल रहे हैं, अभी भी कोई प्लान नहीं, वैसे जाने जैसलमेर है। जहाँ मन करा वहीं चल देते हैं हम तो जी। राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे हैं गौ माता? ठीक हो? ठीक हो? गाइस आप दर्शन कीजिए बजरंग बली जी के, बोलेंगे जय श्री राम। कि बाहर तो आ चुके थे हम, और सबसे पहले मिली सूरज को, फिर मिली मुझको, और मैं सूरज से पहले ही पहुंच गया बल्कि यार। और अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं भाई कड़ी कचौरी भाई, जो कि राजस्थान की मशहूर है भाई। मिल चुके हैं 8-10 किलोमीटर की सीधा लिफ्ट, और भैया ने रोक ली थी बाइक अभी, और चल रहे हैं यार। और विकास अभी पीछे रह गया, सूरज तो निकल। जयपुर यहाँ से सो है करीब 45-40। हाँ 40 के करीब पड़ेगा। ओके थैंक यू सर। कौन सा चाहिए? और अभी जाना है यार अपने को डोसा, डोसा में वेट करेंगे उन सब का। और मैं अभी फिलहाल सबसे आगे हूँ भाई, वो लोग तो बहुत पीछे रह गए हैं भाई। बाल भी देख रहे हो कैसे हवा में उड़ चुके हैं पूरे यार। फिलहाल वेट करते हैं बट पता नहीं है कौन कौन सी फसल है, अंदर जाके देखना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा। अब इतनी दूर से तो दिख नहीं रहा है कि कौन कौन सी फसल है यार, और पता भी नहीं लगता इतनी दूर से तो कौन सी फसल है, और अंदर जाके बातचीत करके पता करना पड़ेगा। और ये देखो भाई अपना दोस्त है, कोई नहीं वेट करते हैं, हम भी चलेंगे। लोग जा रहे हैं खाटू जी, है ना भैया? खाटू जा रहे हो ना आप लोग? तो चलो रख देता हूँ भाई बैग, यहीं रख दो। हम लोग नहीं घूम पाएंगे भाई इनसे। चलो अच्छा काम कर रहे हो, आज दूसरा दिन है ना, और शाम को दवा खा लोगे ना? ठीक रहोगे। काटू से हम दर्शन करने के बाद, अच्छा वहां से हम लोग रिटर्न होंगे, और हम लोग मथुरा वृंदावन होते होंगे। हाँ हाँ, फिर हम लोग अपने होम टाउन निकल जाएंगे। अच्छा आप भी घूमने निकले हैं? कितने दिन के लिए निकले हो आप? 5 दिन के लिए। अच्छा हम आते हुए होके आगे वृंदावन दर्शन करके बाकी बिहारी जी के। और यहाँ आप जहाँ उतरेंगे वो कौन सी जगह है? डोसा। डोसा क्या है वहाँ? डोसा जगह का नाम है भैया। अब वहाँ पे हम तीनों लोग इकट्ठे होके फिर बताएंगे कि हाँ भाई इस लोकेशन से जाना है। ये तीनों लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जाना कहाँ है, आगे कहाँ करना है। आप लोग सीधा जाओगे भैया? हम लोग
जाएंगे जयपुर। अच्छा अच्छा, जयपुर से निकलेंगे हम लोग खाटू से। अच्छा तो दोसा के लिए इधर कट है तो मेरे को इधर ही उतार देना साइड। हाँ ये कट है ना, ये अंदर जा रहे हैं जो। अच्छा यहाँ से अंदर जाना है। हाँ आप साइड में रोक देना। किस नाम से यूट्यूब चैनल है आपका? मोहित याते। आराम से भाई, आराम से इनको निकल जाने दो भैया, बोलो चाचा के निकल जाने दो। यात्रा मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भैया जी। ये गाड़ी भाई रिजर्व हो गई मेरे को लग रहा है, साइड में ले लो भाई। अरे यार मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है यार अभी। दोसा में इनकी ड्यूटी है और गाड़ी अभी रिजर्व में लगी है बता रहे हैं यार। चलो कोई ना, देखते हैं। थैंक यू भैया। चलो आगे। नहीं नहीं बस कोई नहीं, बस यहाँ तक ही। भाई मैप पे डाल लियो वानगढ़ फोर्ट, ये इसको पता नहीं है मैप का कुछ भी। हम लोग चाय पी कर आते। चलो चलो भाई चाय पीने चलते हैं हम लोग। भैया करे यार एक लोग तो आ जाओ हमारे साथ, कोई यार आ जाओ प्लीज। भैया को बहुत ज्यादा मन था ले जाने का इसीलिए भाई। हेलो भाई हेलो करते। ओ भाई आपका गुड डे। सुरेश शर्मा। अरे वाह क्या बात है। ब्लॉगर है सर, हम वीकेंड ट्रैवल कर करके मतलब कम बजट में ट्रैवल कर रहे हैं। वाह बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे ब्रदर है और जंगल। नमस्ते भैया, कैसे हैं आज? अच्छे लग रहे हैं। तो सर ने चाय ऑफर करी थी, हम लोग लिफ्ट मांग रहे थे, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विराजिए सर, विराजिए चाय लीजिए। ओके वाह, आपने चैनल को तो पूछते भाई साहब यार कैसे थे। तो चलो भाई अभी पीते हैं यार चाय यहाँ से। यार भाई जो राजस्थान की चाय है ना बहुत ही टेस्टी है यार। तो ये देखो भाई जिसमें बना रहे हैं पीतल का है, पीतल का है ना सर ये। तो ये देखो भाई अच्छा 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 बनाते हैं। तो भाई कॉमेडी वीडियोस बनाते भाई की चैनल का नाम। तो भाई यहाँ पे अभी मुझे लिफ्ट मिले सीधा भानगढ़ फोर्ट के लिए और भैया ने मेरे लिए रोकी थी और भैया भाई यहाँ पे दोस्तों को बिठा के लेके जा रहे हैं। भैया कह रहे दोनों बैठ जाओ यार तुम, कह रहे नहीं यार एक बजे दोनों को लेके जाऊंगा। देख लो तीन बंदे हुए बाइक पे, हमारा बैग भी इतना भारी है और दो दो को भैया बिठा के चला रहे हैं और सीधा भानगढ़ फोर्ट पहुंचेंगे। तो भाई अभी जा रहे हैं सीधा भानगढ़ की तरफ और देख रहे हो रास्ता बिल्कुल ऐसा सुनसान है, यहाँ पे तो लिफ्ट मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और देखो भाई सामने की तरफ और भाई लोग भैया बता रहे थे यहाँ दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है उधर से, दूसरे जो रास्ते हैं ना उधर से घंटे जाते तो इसलिए हम इधर से आ गए। हमारा भी खत्म हो गया। चलो जी भाई इधर हो रही है। कितने रुपए लीटर अभी है यहाँ पेट्रोल? कितना? 110। ओ भाई बाप रे, यहाँ पे 110 रुपए लीटर है पेट्रोल भाई। हमारे तो 96 है भाई, 96 बरला यार। दो तीन क्विंटल है, दो तीन क्विंटल है भैया कह रहे पीपी ले आते दो तीन भर के। हमारे यहाँ भाई 96 है पेट्रोल 96। अरे महाराष्ट्र में तो 120 है। अच्छा जी। और भाई यहाँ पे ये देखो घर भाई, बड़े यूनिक तरीके के घर है यहाँ पे, पुराने भी हैं कुछ और यूनिक भी हैं। जो डिप्लोमेट हो गए वो यूनिक हैं और बाकी तो पुराने हैं। भैया राजस्थान में नमस्ते को क्या बोलते हैं? हाँ क्या बोलते हैं पता है आपको? नमस्ते ही बोलते हैं। वो क्या होता है? पाली साइड। अच्छा क्या होता है उसका मतलब? ये कौन सा मंदिर अभी है? अच्छा क्या आगे से रास्ता है भानगढ़ का? तो भाई साहब
जो ये सामने की तरफ मंदिर देख रहे हो ना, ये काफी साल पुराना मंदिर है। यहाँ से डोसा और अलवर का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, उधर साइड अलवर है और इधर डोसा। ये अलवर और डोसा के बीच का बॉर्डर है भाई, ये मंदिर से स्टार्ट हो जाता है और ये हम अंदर से आते हैं गाँव के रास्ते। और भाई भानगढ़ से थोड़ा सा पहले गोला नवास है, जो कि यहाँ पे दो तीन दुकानें देखने को मिलेगी। वो रहा भाई, सही कह रहे थे भैया, अभी अभी उतर ही है। आप भी इधर जाओगे? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हमें यहीं उतार दो, हम साथ में ही चले जाएंगे। पता है हमें तो आगे तक मिलने, हम तुम्हारे चक्कर में करेंगे। ओके भैया, थैंक यू। हेलो बच्चों, हेलो 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 कर दो सब। कौन से क्लास में बच्चों? एक ये पहली में, ये दूसरी में, ये तीसरी में। पहली दूसरी, तुम कौन से में हो? तीसरी में। अरे तीसरी में, पहली दूसरी तीसरी तीसरी। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं आगे, तो यार 1.5 किलोमीटर है अभी चलने हैं भाई, 1.5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ेगा। और जो भानगढ़ नहीं जा रहे, वैसे मंदिर जा रहे हैं, कोई कौन सी माता का मंदिर बताया था? वो माता का मंदिर है, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था ढूंढने जा रहे हैं। हाँ वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है बताया था, तो आज वहीं रुकेंगे और सुबह भानगढ़ घूमेंगे भाई। अभी शाम हो चुकी है शाम, और इधर सूरज को थोड़ी शर्म आ रही है क्योंकि कह रहा है बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई। यार मोहित जल्दी चलो थोड़ा, बच्चे देखते हैं ये कौन कार्टून है भाई, कह रहा बच्चे देखते हैं ये कौन कार्टून है। अरे यार बहुत शर्म आती है, बच्चों के आगे ज्यादा आते हैं जो अपनी उम्र के होते हैं ना, उनसे ज्यादा शर्म आती है भाई। तुम्हें भी तो आती है अपने में बताओ। मुझे तो नहीं आती भाई। मैं तो भाई रुका हुआ राधे 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 राधे, मुझे कहा भाई, मैं तो कॉलेज के बच्चों के सामने रुका था, वो तो मुश्किल ही पड़ता भाई। मैं कॉलेज के बच्चों के सामने रुका, मैं बाइक पे बैठ रहा, बंदे कह रहे ओ भाई उसे देख उसे देख। तो भाई इधर विकास ने लोकल चार्जर खरीद लिया मुझे लग रहा है। विकास बेचारा टेंशन में आ गया, कह रहा यार मेरा चार्जर लोकल है। तो सीन क्या होता भाई, एक और सूरज शुरू से बता भाई, क्या था वो इसमें पंगा भाई? सीन में ये है, देखो विकास ने जो खरीदा है चार्जर वो लोकल है। देखो मैं बताता हूँ, एम और ई का ब्रांड होता है जो ओरिजिनल होता है, लेकिन तुम्हारे में ओ लिखा है भाई। वो तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है, वो मैंने सुना ही नहीं है विकास आज तक। हम पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, पैदल? नहीं पैदल, लिफ्ट मांग मांग कर ज्यादातर जी। और अभी यहाँ पे हमने सुना माता का मंदिर है आगे, कौन मंदिर का नाम क्या होगा जी? सरसा माता मंदिर। सरसा माता कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। आ जाओ जी सरसा। अभी फिलहाल तो बताओ, तो क्या गाइस एक बहुत बड़ा पंगा हो गया है गाइस। विकास ने एप्पल चार्जर जो था नकली खरीद लिया है, और देखो इसके चेहरे पे 12 बज रहे भाई। भाई इसके से कल देखो लाल हो गया पूरा, वो 1900 रुपए का चार्जर इसने नकली खरीद लिया, मतलब यार सोचने वाली बात है भाई विकास। और फिलहाल विकास भाई सदमे में और... भाई इधर हो रही है भाई, तो गाइस इधर हो रही है रील शूट, और देखना भाई रील क्या होती है। यार तुम मानते नहीं हो यार, तुम्हें सिखा रहा, उसको भी तो सिखा। इधर मोहित को आ रहा है क्या? मोहित को नहीं आ रहा, मोहित ने ऐसी कैमरा देख देख के तो सीखा है दोनों का। चलो इधर चल रही भाई रील की शूटिंग, एक्शन रहना। रुकना भैया, कौन हो आप, यहाँ कैसे बैठे हो? मेरा नाम विकास अंगवार है और मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ 2 साल से, और मैं दिल्ली से। भैया कौन हो यहाँ, क्यों बैठे हो ऐसे? मेरा नाम विकास अंगवार है, मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ 2 साल से, और मैं आया हूँ राजस्थान, और राजस्थान में घूमने आया हूँ भानगढ़ किला। अच्छा कहाँ से हो तुम? मैं हूँ यूपी से, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से। अच्छा मतलब कैसे यात्रा कर रहे हो ये तो बताओ। मैं लिफ्ट मांग मांग के कर रहा हूँ, ये हमारा बोर्ड है ऑल एंड मेरा। और खाने का कैसे करते हो? खाने का जैसे होटल से है गुरुद्वारा में ऐसे खा लेते। अच्छा मंदिर गुरुद्वारा, मस्जिद भी जाते हो? मस्जिद। काम हो चुकी है, 5:30 या 6 का टाइम हो रहा है, और अभी यहाँ पे मंदिर बताया था, अभी जा रहे हैं आगे की तरफ। और भाई मैंने सुना है बंदे बता रहे हैं यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट एरिया है, मतलब सरिस्का वगैरह टाइगर वगैरह आ सकते हैं भाई यहाँ पे भी। मैं आपकी बात लेके आऊंगा। बनने वाला नहीं है भाई? नहीं वो वाला फ्रैंक नहीं, तगड़ा फ्रैंक हो गया तुम्हारे साथ, पता है तुम्हें? नहीं तो बहुत बड़ा काट दिया तुम्हारा इसने, और तुम कट गए।
सच्ची बता रहा हूँ मैं, पूछो क्या गलती हुई तुम्हारे से? क्या गलती हुई? डर क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे पे डर दिखाई दे रहा है, तुम्हारे चेहरे पे डर दिखाई दे रहा है। कैमरा देखा तुम्हारा ये, मैं कह रहा था ना स्कैम हो गया। क्या देख रहे हो? अच्छा वो अपने निकला एडाप्टर देखें तुम्हारा। क्या करोगे? एडाप्टर चेक करें देखें तुम्हारा। अरे भाई ने बदल लिया है। अरे नाम कैसे लिखेगा ये? तो नाम नहीं, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ऐसा कोई MEO वाला आता ही नहीं है सिस्टम, ये तुम्हारा पागल काट रहा था। और जो तुमने फोन मिला के दिया था ना बंदे को, इसने फोन साइड में करके काट दिया और फिर बात कर रहा था ये। और तुम सोचो बंदे से बात कर रहा है ना, उस बंदे से पूछो पहले से बात हुई है कि नहीं। वो बंद अभी स्पीकर पे करो, करो तो एक बार फोन मिलाओ। कह रहा था कि यानी कि बात कराओ, बात कराओ। भाई आज तो विकास को बहुत बुरी तरह डरा दिया। विकास कह रहा नकली क्या थे? 2000 रुपए की पूरी बात है, समझा करो यार। 2000 रुपए में तो एक ट्रिप हो जाती है हमारी। और तुम बता रहे थे यार 2000 रुपए की, बताओ 500 रुपए में मिल जाता है। मैं तो जैसे 500 रुपए में कैसे मिलेगा? मिलेगा तो भाई। विकास सोचा मैं 2000 का नकली चार्जर ले आया। जंगल है जो भानगढ़ फोर्ट है ना, वो उधर की साइड है भाई, उसकी कहानी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अभी सबसे पहले मंदिर, देख रहे पूरा जंगल एरिया है। ओ भाई ये देखो, देख छः बज रहे हैं भाई, कह रहा झूठ मत बोलो भाई। जहाँ तक मुझे लग रहा है जगह मिल जाएगी भाई, मिल जानी चाहिए भाई, कैंपिंग के लिए भी मिल जाए तो काफी है। लेकिन ताला लगा हुआ है भाई अंदर से, तो अभी चलते हैं अंदर पूछते हैं भाई। ओ भाई ये देखो बंदर एक्सरसाइज कर रहा है, ये देखो भाई, ये लो चढ़िया, चल चल चल, ओए 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 गिर गया गिर गया। भाई अभी हमें मंदिर में जगह मिल चुकी है रहने के लिए, और अभी जस्ट आरती अटेंड करिए, टीके से पता लग रहा होगा भाई बहुत नसीब वाले होते हैं। एंड मौके ट्रैवल पे आए हुए और आरती में सम्मिलित हो गए, और यहाँ पे यहाँ के जो ट्रस्ट है पंडित जी, उनसे हमने बात करी थी क्या यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल सकती है। उन्होंने कहा था हाँ यार बिल्कुल मिल सकती है, बस अपना आधार कार्ड वगैरह दिखा देना और जगह में आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। तो बस आज का लोग इतना ही था, आज इस आज की रात इस मंदिर में रुकेंगे। और भानगढ़ यहाँ से बस सामने की तरफ ही है, ये देख सकते हो जो भानगढ़ है ना बिल्कुल सामने की तरफ ही है फोर्ट, भानगढ़ फोर्ट है जो, और उससे पहले ये मंदिर पड़ता है और इसके अंदर हम सोएंगे आज रात। तो यहाँ पे रुके हुए हैं और कल घूमेंगे पूरा भानगढ़, और भानगढ़ की एक कहानी है भूतिया कहानी, वो मैं आपको कल बताऊँगा भाई। और भानगढ़ के जो ये एशिया की नंबर वन की, अरे भाई बंदर, ऐसा मैंने सुना है एशिया की नंबर वन प्लेस है भूतिया जगह जो कि मानी जाती है भानगढ़ किला, और वो हम कल घूमेंगे भाई। और अभी आज रात यहीं रुकेंगे, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, बाय बाय।